हाँ बच्चों, के एन मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास टेंथ में आगे के क्रम में तंत्रिका तंत्र की चर्चा करेंगे, नर्वस सिस्टम। तो आइए चलते हैं, तंत्रिका तंत्र क्या है। तो नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र और नर्वस टिश्यू, तंत्रिका ऊतक, बच्चों बेसिक फंडामेंटल प्रोसेस जानते ही हैं कि ग्रुप्स ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू इज नोन एज ऑर्गेन, ग्रुप ऑफ ऑर्गेन इज नोन एज ऑर्गेन सिस्टम, और ऑर्गेन सिस्टम कम टू कांटेक्ट टू ईच अदर फॉर्म द लिविंग बॉडी। कोशिकाओं के समूह से ऊतक, ऊतकों के समूह से अंग, अंगों के समूह से अंग तंत्र, और अंग तंत्र आपस में मिलकर जीव के शरीर का निर्माण करता है। तो बच्चों उसी तरह से तंत्रिका तंत्र कैसे बनता है नर्वस सिस्टम, तो नर्व सेल आर न्यूरॉन इसी को कहते हैं। नर्व सेल तंत्रिका कोशिका, स्पेशल टाइप ऑफ सेल इन अवर बॉडी, हमारे शरीर में विशेष तरह की कोशिका होती है जिसको न्यूरॉन्स भी कहते हैं, और ए ग्रुप ऑफ नर्व सेल, नर्वस टिश्यू, तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक का निर्माण करते हैं, और तंत्रिका ऊतक आपस में मिलकर के नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार के हैं मनुष्य में और कौन कौन से हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन या स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका की क्या संरचना है, क्या क्या इसके भाग हैं। तो नर्व सेल आर न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की संरचना। तो बच्चों देख रहे हैं फिगर आपके सामने है, इसमें मुख्य रूप से तीन भाग, तीन से चार भाग पाए जाते हैं नर्व सेल में। ये ऊपर का हेड वाला भाग है और नीचे का एक टेल वाला भाग है। तो इसमें नर्व सेल जो न्यूरॉन्स है, इस नर्व सेल की साइज 1.2 से 2 मीटर लंबी होती है और इसके मुख्य चार भाग होते हैं। पहला भाग आपका सोइटान है ऊपर वाला, दूसरा जो है डेंड्रॉन, ये घुंडीदार संरचनाएं डेंड्रॉन, और इससे निकले हुए प्रवर्ध जो है डेंड्राइट्स है। तो इसमें और नीचे का पोर्शन एग्जान है, और ये इंड पोर्शन ऑफ एग्जान, एंड ऑफ एग्जान, एग्जान का अंतिम भाग है। तो चलिए देखते हैं कि ये नोब्स जो है, ये घुंडीदार संरचनाएं जो है, ये इस तरह से, इसको डेंड्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन। और इससे सूत्रवत धागे जैसी संरचनाएं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट हो रहे हैं, इसी को डेंड्राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। बीच में एक केंद्रक है, न्यूक्लियस, जिसके अंदर केंद्रक द्रव भरा है, ये न्यूक्लियस है, और इसके चारों तरफ ये गोल गोल संरचनाएं हैं, इसको निसिल्स ग्रेन्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? निसिल ग्रेन्यूल्स। और ये सभी डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स आपस में मिलकर के एक नीचे मोटा सेट बना रहे हैं, जिसको एग्जान कह रहे हैं, ठीक है। और नीचे का एक पोर्शन एग्जान है, जो कि मसल्स में इंटर करता है। ये मेम्ब्रेनस संरचना, एक झिल्लीवत संरचना से जुड़ी हुई है, जिसको न्यूरेलिमा, और एक एक सेगमेंट पार्ट में देख रहे हैं टूटी हुई। तो एक भाग को ये माइलिन शीथ कहते हैं, जबकि ये दोनों के बीच का जो खाली जगह है, इस खाली जगह को नोड ऑफ रेनियर कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड ऑफ रेनियर। तो बच्चों ये स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल है, तंत्रिका कोशिका की संरचना है। चलिए देखते हैं, तो साइटान कोशिका, ये ऊपर का भाग साइटान जो है, हैविंग न्यूक्लियस, लार्ज न्यूक्लियस, इसमें देख रहे हैं एक बड़ा केंद्रक है, हैविंग लार्ज साइज न्यूक्लियस। साइटान कोशिकाएं में एक बड़े आकृति का केंद्रक होता है, हैविंग साइटोप्लाज्म, इसमें केंद्रक कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है साइटान वाले भाग में, और इसमें प्रोटीन ग्रेन्यूल्स है, प्रोटीन के ग्रेन्यूल्स है, ये प्रोटीनियस ग्रेन्यूल्स है, कॉल निसिल्स ग्रेन्यूल्स, इसको निसिल नामक वैज्ञानिक ने देखा था, इसलिए उसके नाम पर ही इसको निसिल ग्रेन्यूल्स कहते हैं।
तो बच्चों ये साइटॉन पोर्शन है, हैविंग ए लार्ज साइज न्यूक्लियस, एक बड़ा केंद्रक रखता है, इसमें साइटोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य कोशिका द्रव्य है और इसमें इस पार्टी संरचना ग्रेन्यूलर दानेदार संरचनाएं हैं जिसको निसेल्स ग्रेन्यूल्स के नाम से जानते हैं। दूसरा पोर्शन आता है डेंड्रॉन एंड डेंड्राइट्स, तो देख रहे हैं साइटोप्लाज्म से ये घुंडीदार संरचनाएं निकली हुई है, मोटी संरचना निकली हुई है, इस मोटी संरचना को डेंड्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्रॉन। और इससे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो सूत्रवत संरचनाएं निकली हुई है ये डेंड्राइट्स है। तो मेनी थ्रेड ओरिजिनेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य से बहुत से थ्रेड सूत्रवत संरचनाएं निकलती हैं जो कॉल्ड डेंड्रॉन एंड डेंड्राइट्स, ये निकली हुई है। तो डेंड्रॉन और इससे जो एक प्रवर्त है ये डेंड्राइट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? डेंड्राइट्स। अब बच्चों अगला है एग्जॉन, ये नीचे का सभी डेंड्रॉन निकलकर आधारी भाग में एक मोटा थ्रेड बना रहे हैं, एक मोटा सूत्र संरचना बना रहे हैं जिसको एग्जॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्जॉन कहते हैं। इसमें सभी कंबाइंड लोअर सरफेस ऑफ डेंड्रॉन, डेंड्रॉन का निचली सतह सभी कंबाइंड होकर के एक थिक थ्रेड बना रहा है जिसको एग्जॉन कहते हैं। ये कवर्ड, एग्जॉन कवर ढका रहता है एक मेम्ब्रेनस संरचना से, एक झिल्वस संरचना से जिसको न्यूरेलिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरेलिमा कहते हैं। अब ये जगह जगह एक एक खंडों में बटा हुआ है मेम्ब्रेनस, इसको माइलिन शीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? माइलिन शीथ कहते हैं। और ये भाग एग्जॉन है और दोनों के बीच जो ये नोड्स खाली जगह है नोड ऑफ राइनियर। अब इसमें जो इन पोर्स इन ऑफ एग्जॉन है ये सिनेप्टिक नोब इसके नीचे है, यही सिनेप्टिक नोब बच्चों एक तंत्रिका कोशिका को दूसरी तंत्रिका कोशिका से जोड़ने का कार्य करते हैं। और जब एक तंत्रिका कोशिका दूसरे तंत्रिका कोशिका से जुड़ती है तो सिनेप्स बनते हैं। और ये सिनेप्स क्या करते हैं? संवेदनाओं को एक तंत्रिका कोशा से दूसरी तंत्रिका कोशा तक देते हैं। तो कार्य के आधार पर ये नर्व सेल या न्यूरॉन्स तीन तरह के होते हैं, ठीक है? कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, इसको आगे के क्रम में हम लोग देख रहे हैं तीनों भाग। हाँ बच्चों, तो आगे के क्रम में कार्य के आधार पर तंत्रिका कोशिका के प्रकार, तो आइए हम लोग पूर्ण रूप से जान लें काइंड ऑफ नर्व सेल आर न्यूरॉन, काइंड ऑफ नर्व सेल आर न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका के प्रकार। देखिए ओरिजिन और कार्य, उत्पत्ति और कार्य दो होता है, तो आपके बुक में कार्य के आधार पर प्रदर्शित है, लेकिन ओरिजिन के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर हम जान लें कि उत्पत्ति के आधार पर तंत्रिका कोशिकाएं मुख्य रूप से आपके दो ही प्रकार की होती है, ठीक है? पोलराइड नर्व सेल, पोलराइड और नॉन पोलराइड। पोलराइड माने ध्रुवीय और नॉन पोलराइड माने अध्रुवीय, जिसमें कोई पोल्स नहीं होते हैं वो नॉन पोलराइड नर्व सेल और ध्रुवीय तंत्रिका कोशिका होती है, ठीक है? लेकिन यदि पोल्स डेवलप है, जैसे इस तरह से आप देख सकते हैं कोई पोल्स नहीं है, लेकिन यदि इसमें पोल्स हैं ये और इसमें कोई पोल्स नहीं है तो ये नॉन पोलराइड है और ये पोलराइड है, और ध्रुवीय तंत्रिका कोशिका। तो यदि पोल्स की संख्या के आधार पर देखें, एक पोल्स है तो यूनिपोलराइड नर्व सेल एक ध्रुवीय तंत्रिका कोशिका, दो पोल्स है तो द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका, और दो से अधिक है तो मल्टीपोलराइड नर्व सेल बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका है। तो ये उत्पत्ति के आधार पर बच्चों तंत्रिका कोशिका मुख्य रूप से दो प्रकार की है, ध्रुवीय और अध्रुवीय, लेकिन ध्रुवीय तीन प्रकार की हो जाती है, एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय, बहुध्रुवीय, यूनिपोलराइड नर्व सेल, बाइपोलराइड नर्व सेल एंड मल्टीपोलराइड नर्व सेल। तो उत्पत्ति के आधार पर आप जानते रहेंगे ध्रुवीय और अध्रुवीय तंत्रिका कोशिका। लेकिन यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कार्य के आधार पर बच्चों हम लोग तंत्रिका कोशिका का प्रकार देख रहे हैं, तो कार्य के आधार पर तीन प्रकार की, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन नर्व सेल आर थ्री काइंड। कार्य के आधार पर तंत्रिका कोशिका मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है,
एक पहला है सेंसरी नर्व्स या सेंसरी नर्व सेल, संवेदी तंत्र का कोशिकाएं, सेंसरी नर्व सेल संवेदी तंत्र का कोशिकाएं, ये क्या कहते हैं, सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट इन सेंसरी ऑर्गन, संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं संवेदी अंगों में उपस्थित होती हैं। और संवेदी अंग क्या है, ऐसे अंग जो हमारे शरीर को बाह्य उद्दीपनों का ज्ञान कराते हैं, बाह्य उद्दीपनों का पता चलाते हैं, इसको सेंसरी ऑर्गन संवेदी अंग। तो सेंसरी न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन सेंसरी ऑर्गन, संवेदी कोश नर्व सेल्स संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं या न्यूरॉन्स संवेदी अंगों में स्थित होते हैं। दूसरा सेंसरी इंपल्स, ये कलेक्ट होकर के सेंसरी इंपल्स का निर्माण करते हैं। दूसरा है मोटर न्यूरॉन्स चालक, दूसरा मोटर है चालक तंत्रिका कोशिका, ये मोटर इंपल्स जो होते हैं सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से ये सूचनाओं को उद्दीपनों को इफेक्टर ऑर्गन जो है कार्यकर अंग तक पहुंचाने का कार्य करते हैं मोटर न्यूरॉन्स, अर्थात सेंसरी न्यूरॉन्स का कार्य यहाँ हो गया, संवेदनाओं को बाह्य उद्दीपनों को संवेदी अंगों से मस्तिष्क को ले जाना, और मोटर को जो है ये मोटर इंपल्स सीएनएस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क से ये सूचना इफेक्टर ऑर्गन तक लाती है। तीसरा एसोसिएशन आर इंटर न्यूरॉन्स सहचर, मोटर में चालक और एसोसिएशन आर इंटर न्यूरॉन्स में चालक, चालक नर्व सेल मोटर न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जो बोथ इन नेचर सेंसरी एंड मोटर, ये इंटर न्यूरॉन्स सहचर ऐसे होते हैं जो चालक और संवेदी दोनों प्रकृति के होते हैं, दीज आर सेंसरी एंड मोटर बोथ नेचर, ये संवेदी और चालक दोनों प्रकृति धारण करते हैं। ग्रुप ऑफ एग्जाम फॉर नर्व्स, जब बहुत से तंत्रिका कोशिकाओं से उसके एग्जाम मिलकर के एक साथ मिलकर के एक थ्रेड ग्रुप बना लेते हैं जो है सूत्रवत समूह बना लेते हैं उसको तंत्रिकाएं नर्व्स कहते हैं। और बच्चे तंत्रिकाएं जो है पूरे शरीर में तीन रूपों में होती हैं, संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं जो है चालक तंत्रिका कोशिकाएं और तीसरा सहचर तंत्रिका कोशिकाएं। तो अब इसको समझ लें कि संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं व्यक्ति के संवेदी अंगों द्वारा बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करके ये सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेरु रज्जु और मस्तिष्क को देने का कार्य करती हैं, जबकि चालक मोटर नर्व सेल चालक तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं मस्तिष्क से आए हुए आदेश को मेरु रज्जु और मेरु रज्जु से उस इफेक्टर ऑर्गन कार्यकर अंगों को सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं। और तीसरा जो आपका प्रकार है सहचर तंत्रिका कोशिकाएं, ये सहचर तंत्रिका कोशिकाएं कॉमन होती है उभयनिष्ठ होती हैं, ये विशेष प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं नर्व सेल होती हैं जो बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करके मस्तिष्क को ले भी गई और मस्तिष्क से सूचनाओं को कार्यकर अंग तक ले आने का भी कार्य करती हैं। तो बच्चों ये स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ नर्व सेल रहा। अब आगे के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ नर्व सेल, जिसमें नर्वस सिस्टम ऑफ माइंड जो अगले दिन आपके टेस्ट के बाद होगा। और बच्चों ध्यान दें, टेंथ के सभी बच्चे आपका टेस्ट जो है 11 बजे तक या 12 बजे तक आपको पेपर व्हाट्सअप हो जाएगा और इसका आंसर अपने घर बैठ करके ही 1 घंटे तक लिखेंगे, दूसरे दिन इसका आंसर आपको भेज दिया जाएगा, इस तरह से टेस्ट देंगे। इधर उधर अस्थिर होने की जरूरत नहीं है, सारे वीडियो को 2 दिन का समय है, रिवीजन कर डालें और टेस्ट की तैयारी कर लें। थैंक यू।